हेलो फ्रेंड्स, सुनीता के संग क्राफ्ट कारी क्लास में आज हम टॉर्टोइस दिया बनाने वाले हैं। आपको इस टॉर्टोइस दिए का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने इस दिए को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज किया है। राउंड दिया, ब्लैक, डार्क ब्राउन एंड पर्ल ग्रीन एक्रिलिक कलर्स, मोल्डेड क्ले, टेलकम पाउडर, पेपर कटर, पेंटिंग ब्रशेस, बॉल पेन विदाउट रिफिल, फेविकॉल, वार्निश, कलर पैलेट एंड टूथपिक। सबसे पहले मोल्डेड क्ले के रेजिन और हार्डनर को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स करेंगे। हैंड्स में टेलकम पाउडर यूज करेंगे जिससे कि ये हाथ में स्टिक नहीं होगा। सबसे पहले हम टॉर्टोइस के लेग्स बनाने के लिए 4 इक्वल पार्ट्स अलग करेंगे और इनकी बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से टेल बनाएंगे। हेड बनाने के लिए क्ले की एक बिग बॉल बनाएंगे और इसे एक साइड से प्रेस करके थोड़ा सा ड्रॉप शेप देंगे। अब टॉर्टोइस के बॉडी पार्ट्स को सेमी ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम दिए को डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी क्ले लेंगे, से रोल करके उसकी स्ट्रिंग बनाएंगे। इस स्ट्रिंग को फेविकॉल की हेल्प से दिए के ऊपर, दिए की एज पर पेस्ट कर देंगे। बिना रिफिल के बॉल पेन से हम इसके ऊपर इम्प्रेशन देंगे। थोड़ा सा पाउडर लगा के स्ट्रिंग के ऊपर प्रेस करेंगे, एज पर इम्प्रेशन आ जाएगा। लेग पेस्ट करने के लिए 4 बॉल्स को इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करेंगे और इसे थोड़े से टेलकम पाउडर के ऊपर रख के स्लाइटली प्रेस करेंगे और पेपर कटर की हेल्प से इसके लेग्स में इम्प्रेशन देंगे। टेल पेस्ट करेंगे। फ्रंट साइड में इसका हेड लगाएंगे। टूथपिक की हेल्प से आईज का इम्प्रेशन देंगे और पेपर कटर की हेल्प से इसके माउथ का इम्प्रेशन देंगे। इस तरह से माउथ बनाएंगे। पतली स्ट्रिंग्स बनाने के बाद इन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच पर कट करेंगे। हर पार्ट को थोड़ा सा रोल करके ड्रॉप शेप बनाएंगे। कुछ बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से पूरे दिए के ऊपर हमें बॉल और ड्रॉप शेप पेस्ट करते जाना है और साथ में बॉल पेन की हेल्प से इम्प्रेशन भी देना है। इस तरह से पूरे दिए पर हम डेकोरेट कर देंगे। अब ड्रॉप शेप के ऊपर भी हम एक स्मॉल बॉल को पेस्ट करेंगे। इस तरह से दिए को डेकोरेट करने के बाद अब हम क्ले को ड्राई होने के लिए रख देंगे। पूरे टॉर्टोइस को दिए के अंदर और बाहर से डार्क ब्राउन कलर से कलर करेंगे।
डार्क ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे और पूरे दिए को कलर करेंगे। ब्राउन कलर ड्राई होने के बाद दिए के अंदर की तरफ ब्रश से पर्ल ग्रीन कलर करेंगे। फिंगर से पर्ल कलर लेकर और बाहर की साइड बॉल्स और ड्रॉप शेप के ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। इससे हमारी डेकोरेशन पॉपअप होके दिखाई देने लग जाएगी। लेग्स पर भी फिंगर से पर्ल ग्रीन कलर लगाएंगे, टेल पर, और इसके आईज और माउथ में हम ब्रश से ग्रीन कलर लगाएंगे। पर्ल ग्रीन कलर ड्राई होने के बाद हम इस दिए को वाटरप्रूफ बनाने के लिए 2 coats वार्निश करेंगे। फर्स्ट कोट वार्निश जब पूरी सूख जाएगी तब हम उसके ऊपर सेकेंड कोट करेंगे। आज का हमारा टॉर्टोइस दिया रेडी है। इसे हम टी लाइट होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टेक्निक। थैंक यू।